स्केयरिंग प्लॉग अवार्ड फॉर बायो केमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी रिचर्ड ई ब्राइट को ये अवार्ड्स मिले थे द सर्स्कुलर अवार्ड एंड स्केयरिंग प्लॉग अवार्ड किसमें बायो केमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में इट वॉज हिज फैशिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम जो रिचार्ड की ई ब्राइट की ना एक हॉबी थी वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था और बटरफ्लाई उसे बहुत अट्रैक्ट करती थी फैसिनेशन मतलब अट्रैक्ट करना वो उसे बहुत अट्रैक्ट करती थी और उसी वजह से वो साइंस वर्ल्ड में चला जाता है आप देखिए चैप्टर क्या कहता है एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क अब यहाँ पे एक फॉर्मर है कोई साइंटिस्ट होगा जो कि ट्वेंटी टू का है और उसे स्काउट ऑफ द ईयर मतलब ये अवार्ड है उसे अवार्ड मिला है उसने थ्योरी दी थी कि सेल्स कैसे काम करते हैं रिचार्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस एक अकेडमी का नाम है जो रिचार्ड एच ई ब्राइट है और उसका जो कॉलेज रूममेट है उन्होंने उस थ्योरी को आर्टिकल में लिख दिया और कहाँ भेजा उस एकेडमी में इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट और ये पहली बार था कि जो ये अकेडमी थी इसने फर्स्ट टाइम इस बच्चों के मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनके आर्टिकल को पब्लिश किया वरना ये पॉपुलर पॉपुलर लोगों के ही पब्लिश करते थे जैसे कि कोई साइंटिस्ट या फिर कोई स्पोर्ट्स मैन इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग ऑफ द बिग लेग ऐट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड द हिटिंग अ होम रन आर फर्स्ट टाइम एट बेट और ये हमारे लिए कैसी थी जैसे तो क्रिकेट में एक बिग लेग होती है उसकी तरह है, और मैं कितने साल का था सिर्फ पंद्रह साल का और कैसे कर लिया था हमने हिटिंग अ होम रन होम रन क्या होता है जो बेसबॉल होती है ना उसमें हम रन कर रन लेते हैं जब हमारी बेसबॉल ग्राउंड से बाहर चल जाती है उसको बोलते हैं वो उसकी तरह था बिल्कुल फॉर रिचार्ड ईब्राइट it was the first in a long स्टेयरिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड और ये रिचार्ड के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साइंस में और दूसरी फील्ड्स में एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी उसकी बटरफ्लाइज से क्योंकि उसको बटरफ्लाइज कलेक्ट करना बहुत शौक था और वहीं से वो साइंस की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया एंड ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसल वेनिया एक जगह है और ये भी एक जगह है वहीं पे पेनिसल में नॉर्थ ऑफ रीडिंग वहीं पे ए बड़ा हुआ था और वो एक ने माँ बाप के इकलौता चाइल्ड था देर वॉज मच आई कुड डू देर ही सेड उसने क्या कहा रिचार्ड ने क्या कहा वहाँ पे ना कुछ ज़्यादा खास नहीं था कुछ करने को कहाँ पे जहाँ पे वो रहता था नॉर्थ ऑफ रीडिंग में आई सर्टेनली सर्टनलीडेंट प्ले फुटबॉल विद द टीम ऑफ वन और मैं वहां पे फुटबॉल भी नहीं खेलता था और भी नहीं खेलता था इतना बट देर वॉज वन थिंग लेकिन वहाँ पे मैं एक काम तो जरूर करता था कलेक्ट थिंग्स वह चीजें कलेक्ट करता था क्या क्या कलेक्ट करता था सो ही डिड वह करता था और वह हमेशा करता था बिगनिंग इन किंडरग्रेटन ई ब्राइट कलेक्ट बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में किंडरगार्टन गार्डन में इब्राइट ने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और वह बिल्कुल के साथ करता था उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता था वो बटरफ्लाइज की तरफ ही ऑल्सो कलेक्ट रॉक्स और वो रॉक्स भी कलेक्ट करता था फोजिल्स भी और कॉइंस भी ही पिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर और वो क्या बन चुका था एक ईगर एस्ट्रोनोमर मतलब एक एस्ट्रोनोमर उसको बनने का शौक सा लग गया था एस्ट्रोनोमर क्या होता है जो रात को तारे होते हैं ना उनके ऊपर कोई काम करते हैं ना उनको बोलते हैं एस्ट्रोनोमर टू समाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट और कभी कभी तो वो सारी रात स्टारो को देखता ही रह जाता था फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियसिटी अलोंग विद द ब्राइट माइंड ही ऑल्सो हैदर हुज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग वो जो ई ब्राइट था वो अच्छा बच्चा तो था पढ़ने में इंटेलिजेंट तो था लेकिन जो उसकी मम्मी थी वो हमेशा उसे इंकरेज करती रहती थी हमेशा उसे इंटरेस्ट में उसकी तरफ इंक्रेज करती रहती थी शीट टूक हिम ऑन ट्रिप्स और वो उसे ट्रिप्स पे भी ले जाती थी और उसके लिए क्या क्या लाती थी देखिए बॉट हिम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमराज माउंटिंग मेटीरियल एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज जो उसकी मम्मी थी उसे क्या कर ला कर देती थी टेलीस्कोप टेलीस्कोप क्या होता है जिससे हम दूर की चीजें देखते हैं जैसे हम तारे देखते हैं ना तो टेलीस्कोप से देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है जो हम छोटी छोटी चीजों को बढ़ा करके देखते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप्स कैमराज तो आपको पता ही होगा जिससे हम तस्वीरें लेते हैं और माउंटिंग मटेरियल ये सारी चीजें उनकी मम्मी ने ला कर देती थी और उसे हेल्प भी करती थी अलग अलग तरह उसे आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल जो रिचार्ड की मम्मी है वो बोल रही हैं कि सिर्फ मैं ही थी उसके साथ ही जब तक उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था इन सब कामों में जब वो काम करता था तो इन सारे कामों में सिर्फ उसकी मम्मी ही कंपेनियन थी मतलब उसकी साथी थी आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम और जब वो स्कूल जाने लगा तो उसके दोस्त घर आने लगे मैंने उसके दोस्तों को घर आने के लिए बोला बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर बट रात को तो हम वही अपनी पुरानी चीज़ें करते थे साथ में रिची रिची कौन है रिची रिचार्ड ही है जो उसकी मम्मी प्यार से रिची बुला रही है रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड अब वो क्या कह रही हैं कि रिची ही मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा था क्योंकि जो उसके पापा थे वो थर्ड ग्रेड में ही मर चुके थे और एक वही ऐसा बच्चा था जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि और कोई तो उनकी लाइफ में इंसान था भी नहीं और कोई बच्चा तो उनके पास था ही नहीं सिवाय रिची के शी एंड सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल और जो उसकी माँ थी और रिची थी वो हम अपनी हर शाम डाइनिंग रूम टेबल पे ही बिताते थे इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम एंड नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स और अगर रिची के पास पास कुछ काम नहीं होता था ना तो मैं उसके लिए कोई काम ढूंढ कर देती थी और वो वो काम सिर्फ कोई फिजिकल वर्क नहीं होता था उससे वो बहुत सारी चीज़ें सीखता भी था ये कौन बोल रहा है उसकी माँ रिचि की माँ ही लाइक डिट और उसे पसंद भी आता था और वो चाहता भी था उन्हें लर्न करना मतलब उन्हें सीखना एंड लर्न ही डिड ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल और रिचि उन चीज़ों को सीख कर अपने स्कूल में टॉप ग्रेड मतलब हमेशा टॉप ग्रेड मार्क्स लाता था ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स वैसे तो वो और बच्चों की तरह ही था कोई डिफरेंट नहीं था कौन कह रहा है उसकी माँ बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड और एक बार की बात है कि जब वो सेकेंड ग्रेड में था इब्राइट हैड कलेक्टेड ओल्ड ट्वेंटी फाइव स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन और एक बार की बात है कि जो रिची है ना उसने अपने होम टाउन के आसपास कितनी स्पीशीज कलेक्ट की थी बटरफ्लाइज की ट्वेंटी फाइव कितनी स्पीशीज ट्वेंटी फाइव स्पीशीज मतलब उसने पच्चीस तरह की अलग अलग बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी ये देखो इस टेबल में दिया गया है कि कौन सी कौन सी उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड अब कौन बोल रहे हैं रिची वो क्या कह रहे हैं शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तो मेरे लिए अब इतना ही मैं कलेक्ट कर सकता हूँ ये मेरे लिए एंड होगा कि मैंने इतनी सारी कलेक्ट कर ली बट देन माई मदर गॉट मी चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक बुक दी बच्चों की बुक जिसमें क्या लिख जो कौन क्या नाम था उस बुक का द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू दंग कलेक्टर अब यहाँ पे माइग्रेट का मतलब जानेंगे पहले हम माइग्रेट मतलब होना है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना अब जो रिचि की माने द ट्रेवलर्स ऑफ मोनार्क ला के दी थी उसमें क्या लिखा था उस बुक में क्या लिखा था मोनार्क क्या है मोनार्क एक बटरफ्लाई है बटरफ्लाई की स्पीशीज है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये एक स्पीशीज है बटरफ्लाई की ये बटरफ्लाईज माइग्रेट होती थी कहाँ कहा जाती थी और ये सेंट्रल अमेरिका तो वो ये सोच रहा था कि बटरफ्लाइज इतनी दूर तक जाती हैं और इस चीज को सोचकर जो रिची था उसके दिमाग में वर्ल्ड ऑफ साइंस खुल गया और वह उसके मन में आने लगा कि अब वो साइंस फील्ड की तरफ जाएगा एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन और जो वो बुक थी उसके लास्ट में क्या लिखा था कि जो रीडर्स हैं वो भी इन्वाइटेड हैं किसमें जो बटरफ्लाई के ऊपर स्टडी किया जा रहा है जो बटरफ्लाई माइग्रेशन के ऊपर स्टडी किया जा रहा है उसमें वो काम मतलब उसमें वो स्टडी कर सकते हैं वर आज टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च टैग मतलब कि वो मतलब बटरफ्लाई पे कुछ चिपका सकते हैं कोई कागज वगैरह लगा सकते हैं और ये किसने बोला था डॉक्टर फ्रीडरिक ने डॉक्टर फ्रीडरिक ए क्यू हार्ड ए आरक्यूहट भी नाम है जो कि कहाँ का है वो यूनिवर्सिटी और वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो का है जहाँ पे कहाँ पे है और ये यूनिवर्सिटी कैनेडा में इब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर आरक्यू हट जो इब्राइट्स की मम्मी है वो उन्हें लिखती है एंड सुन और जल्द ही इब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग ऑन द विंग्स ऑफ मोनार्क्स मोनार्क्स क्या है अभी बताया था जो बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ है जो इब्राइट है वो कुछ लाइट एडिशिव टैग्स लेके आता है और उन उनपे लगा देता है एनी वन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई वॉज द टैग टू डॉक्टर आरक्यू हर्ड और जो जिसे भी वो टैग मिलेगा जिसे भी वो बटरफ्लाई टैग बटरफ्लाई मिलेगी वो डॉक्टर आरक्यू हर्ड को दे देगा द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक इन लेट समर ये जो रीडिंग है ये हमने पहले भी पढ़ा था ये रीडिंग पढ़ने वाला रीडिंग नहीं है ये जगह का नाम है नॉर्थ ऑफ रीडिंग ऊपर जब हमने पढ़ा था जो ये अब क्या बोल रही है द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग जो रीडिंग में बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन था वो सिक्स वीक्स तक चला लेट समर में सिक्स वीक्स मतलब डेढ़ महीना इफ वी आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन यू वॉन्ट कैच एवरी मैनी अगर हम एक अगर हम उसे एक एक दिन गिने तो हम उसे नहीं पकड़ सकते सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इब्राइट अब इब्राइट का नेक्स्ट स्टेप क्या था वॉज टू रेज अ फ्लोक ऑफ बटरफ्लाई अब वो क्या क्या करने वाला था कि जो बटरफ्लाईज थी ना वो खुद उनको रेज करने वाला था मतलब वो खुद बढ़ते हुए उन्हें देखना चाहता था ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क अब वो उसने एक फीमेल मोनार्क ले ली उसने पकड़ ली टेक हर एग्स उसने उसके अंडे ले लिए एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देअर लाइफ साइकिल और उसने उसको पकड़ के उसके अंडे लेकर अपने बेसमेंट में रख दिए अब वो उसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखना चाहता था अब देखिए उसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है फ्रॉम एक्स टू कैटापिलर अब वो अंडों से किस में बदल गई कैटापिलर में और कैटापिलर से किसपे बदल गई वो प्यूपा पे और प्यूपा से किस पे बदल गई अब वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन चुके हैं देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो और जब वो बटरफ्लाई बन जाती तो रिची क्या करता कि उसकी विंग्स पे टैग लगा देता और उन्हें छोड़ देता फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो उसके बेसमेंट में बहुत सालों तक क्या बन गया थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स जो हजारों मोनार्क्स की डिफरेंट स्टेज डेवलपमेंट होने लगी थी हजारों सा, कई सारी मोनार्क्स की और कुछ सालों तक

ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग वर रिकैप्चर्ड अब वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ दो ही बटरफ्लाइज होंगी ऐसी जो कि पकड़ी गई होंगी एंड दे व नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्रॉम वेर आई लिव्ड और वो क्या कह रहे हैं कि जो वो बटरफ्लाइज है ना जहाँ से मैं रहता था ना वहाँ से सेवनटी फाइव माइल्स तक ही गई होंगी उससे ज़्यादा नहीं गई होंगी क्योंकि उसने क्या पढ़ा था जो मोनाक्स थी वो कहाँ तक गई थी सेंट्रल अमेरिका तक और इसमें क्या कह रही है सिर्फ सेवेंटी फाइव माइल्स तक ही गई होंगी देन इन दैवेंथ ग्रेड अब जो रिचार्ड है वो कौन सी क्लास में है सेवंथ ग्रेड में ही गोट अ हिंट ऑफ दैट रियल साइंस इज वेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट अब जो काउंटी साइंस फेयर वहाँ पे प्रोग्राम था उसने पार्टिसिपेट किया उसमें और वो हार जाता है इट वॉज रियली आ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नोट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एज हेड वोन समथिंग इब्राइट सेट अब इब्राइट क्या कह रहा है कि जब उसने उसमें पार्ट लिया तो वो हार जाता है और ये उसके लिए बहुत बुरी ही सी फीलिंग होती है और वो वहां पे बैठ कर देख रहा होता है कि सब कुछ को कुछ ना कुछ मिल रहा है और इब्राइट को कोई अवार्ड नहीं मिल रहा हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिशूज और जो उसने पार्टिसिपेट किया था ना उसमें उसने उसमें फ्रॉक टिशूज दिखाए थे कुछ विच ही शोज अंडर अ माइक्रोस्कोप और उसने फ्रॉक टिशूज किस में दिखाए थे माइक्रोस्कोप से ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले उससे क्या होता है फील कि जो फर्स्ट आया था ना उसने रियल एक्सपेरिमेंट किया है ना कि कुछ ऐसे ही दिखा दिया ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्प्रिट द ड्राइव रिचार्ड इवराइट वॉज अपेयरिंग आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट अब रिचार्ड को पता चल गया है कि रिचार्ड के अंदर एक नई स्प्रिट आ गई है एक नई लगन आ गई है कि अब उसे नेक्स्ट फेयर में कुछ रियल करना है ना कि कुछ है वहीं डिस्प्ले करना है एक नए रियल एक्सपेरिमेंट करेगा वो द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई आई डिड बीन आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स और अब वो क्या कह रहे हैं कि अब वो किस पे करेगा जो वो एक्सपेरिमेंट करेगा इंसेक्ट्स पे कीड़े मकोड़े पे करेगा क्योंकि उसको उसी चीज की नॉलेज है पिछले कुछ सालों से तो इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही अब आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे थैंक यू सो मच क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई, आई टी और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का आज डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर